भक्तों आप सभी का इस परम भक्ति में स्वागत। क्या आपको पता है सात चिरंजीवियों का कल की अवतार से मिलने का क्या है उद्देश्य? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हे प्रभु, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। पहले चिरंजीवी हनुमान जी, बजरंगबली को भगवान श्री राम ने कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी थी और भगवान के कल की अवतार के दर्शन करके वह पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। दूसरे चिरंजीवी परशुराम, पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी राजा बलि, पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। जब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे चिरंजीवी विभीषण, विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। कलयुग में विभीषण कहाँ है इस बात की तो जानकारी किसी को नहीं, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका कलयुग में भी होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। पांचवे चिरंजीवी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगी। छठवें चिरंजीवी महर्षि व्यास, महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। सातवें चिरंजीवी कृपाचार्य, कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। आपको इस तरह के आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस विषय में आपकी कोई राय है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।